गैंगस्टर के निशाने पर क्यों है सलमान खान? सलमान से बदला या खौफ फैलाना चाहता है गैंगस्टर? क्या दाऊद इब्राहिम की राह पर चल पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई? मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर बाइक सवार दो हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग की। इस हमले का जिक्र हर किसी की जुबान पर है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग करवाने का क्या मकसद है और ऐसा क्या हुआ जो इन बदमाशों के निशाने पर सलमान खान आ गए। 14 अप्रैल की सुबह करीबन 4:50 मुंबई का बांद्रा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की गई। बताया जा रहा है जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब सलमान खान अपने घर के अंदर ही थे। गनीमत है सलमान और उनके परिवार में किसी को चोट नहीं आई। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में। इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 का भी एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जो हरियाणा के रोहतक का है। इस सीसीटीवी में नजर आ रहे शूटर कालू का चेहरा मुंबई में सलमान के घर के सामने से मिले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स के चेहरे से मेल खा रहा है। कालू राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का खास शूटर है। वहीं रोहित गोदारा गैंग लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखता है और लॉरेंस के निशाने पर काफी वक्त से सलमान खान है। सलमान के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस की 3 थ्योरी सामने आ रही है जिसमें सबसे पुख्ता थ्योरी सामने आई है। पहली, सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा, मुंबई के दौलतमंदों से मोटी एक्सटॉर्शन वसूलना। तीसरा और सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो है मुंबई में दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य हथियाना। सबसे पहले यहाँ बात तीसरी थ्योरी की करेंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद जो कबूलनामा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, दाऊद इब्राहिम। 1993 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक समय में भारत में खौफ का दूसरा नाम था। खासकर मुंबई में दाऊद के नाम की तूती बोलती थी। दाऊद ने डर और खौफ के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया था। दाऊद का कारोबार भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में फैला था। कोई ऐसा काला कारोबार नहीं था जहां दाऊद का पैसा ना लगा हो। उसने भारत में उगाही से लेकर आतंकवाद हर तरह के अपराधों को अंजाम दिया है। दाऊद की डी कंपनी बड़े पैमाने पर एक्सटॉर्शन में शामिल रही। इतना ही नहीं, भारत छोड़कर फरार होने के बाद भी वो अपने गुर्गों के जरिए टारगेट किलिंग करवाता था और उगाही करता था। दाऊद ने अफीम और ड्रग तस्करी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कंपनी के साथ मिलकर चलाता था। वहीं सलमान पर हमले के बाद वायरल हो रही धमकी को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की वजह ये बताने की है कि अब मुंबई में दाऊद का कोई वर्चस्व नहीं है। सलमान के घर पर फायरिंग करवा कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी दाऊद की राह पर चलता नजर आ रहा है और मुंबई को एक्सटॉर्शन की एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक सलमान पर हमला किया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग तो पहली बार हुई लेकिन इससे पहले कोशिश पिछले 6 सालों से हो रही है, कभी ईमेल के जरिए तो कभी फोन पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कई बार खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। साल 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में पेशी के दौरान लॉरेंस ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था कि वो सलमान को जोधपुर में पेशी के दौरान मार देगा। इसके बाद मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान और उनके पिता सलीम को डराया गया था। तीसरी बार धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी जिसके बाद सलमान को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड गैंग के निशाने पर सलमान खान क्यों है। सलमान को धमकी और वजहों की बात करें तो उसकी पटकथा साल 1998 में लिखी गई। दरअसल 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ रात के समय शिकार पर निकले थे। यहां अचानक फायरिंग हुई थी और जब गांव वाले लाठी डंडे लेकर पहुंचे तो देखा कि 2 काले हिरण गोली का शिकार होकर मरे पड़े थे। लोगों को देखकर वहां जीप में बैठकर कुछ लोग फरार हो रहे थे। वहीं गांव वालों ने उनमें से सलमान खान को पहचान लिया था। इसके बाद कोर्ट केस चल रहा है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान के बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। ये समाज प्रकृति के प्रति अपने असीम प्रेम के लिए मशहूर है। बिश्नोई समाज में जानवरों खासकर हिरण को ईश्वर के तुल्य माना जाता है। इसलिए इस वारदात के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले खबर ये भी आई थी कि लॉरेंस ने कहा है कि अगर सलमान खान माफी मांग ले तो वो माफ कर सकते हैं। लेकिन सलमान की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुंबई में हुए हमले के बाद लॉरेंस को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजिलका का रहने वाला है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था, लेकिन कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब वो रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड दाऊद की जगह लेने को बेताब है। पिछले 9 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। 31 साल का ये गैंगस्टर भले ही जेल में रह रहा हो, लेकिन उसका क्राइम नेटवर्क साल दर साल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तकरीबन 1000 से ज्यादा शार्प शूटर है। वहीं बिश्नोई के पास करोड़ों की संपत्ति है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट एक्टिव है। जेल में बैठे ही किसी को मरवा देना लॉरेंस बिश्नोई के बाएं हाथ का खेल है, और यही वजह है कि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस जुर्म का कारोबार बड़ी ही आसानी से कर पा रहा है। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।